स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको हम पॉइंट नंबर 52 और 53 के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 12 चैप्टर का ही अभी चल रहा है पार्ट, जो पॉइंट नंबर 52 और 53 है। इसमें क्या है कि आपको जो जितने भी हमारे कर्व स्ट्रोक्स हैं, उसके लास्ट में अगर एन का हुक है और एन के बाद जस्ट एस का सर्कल आ जाता है, तो आपको कैसे ऐड करना है वो बताने जा रहे हैं। तो पहला वर्ड हमारा मीन्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एन बनाएंगे और ये सर्कल का, ये हो गया हमारा इनसाइड एस का सर्कल। देखिए, सर्कल के अंदर हमने एस को जोड़ दिया, आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं। दूसरा वर्ड है रीमेंस। रीमेंस जो है आर डाउन बनेगा कि अपवर्ड, तो यहाँ आर के बाद साउंड है तो हमारा डाउन वर्ड कर्व के साथ अटैच हो रहा है। यहाँ पे आपको हमें क्या करना है कि आर डाउन बनाना है और एम का ये हो गया, तो रीमेंस ये हो गया। लोन्स, लोन्स में क्या करना है कि आपको ये देखना है कि लोन में एल का जो चैप्टर से पढ़े होंगे तो एल दो तरीके से बनता है, लेकिन यहाँ पे एल जो है हमारा अपवर्डी बनेगा क्योंकि लास्ट में एन का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एल बना और हुक बना, ये तो इसमें हमने ऐसे बना दिया। फिर आता है साइंस। साइन मीन्स वही है जो एन का लास्ट में और इसका सर्कल है, ऐसे हम ऐसे बनाते हैं, ये एन का हुक हो गया और इसके अंदर ये हमारा एस टाइप हो गया। ओपिनियंस, ओपिनियंस भी आपको ध्यान से देखना है, चैप्टर आपको हमने इससे पहले ही पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ एन बनेगा, पी नहीं बनेगा, क्योंकि एन का हुक क्लियरली साउंड आ रहा है। जैसे आप हम देख सकते हैं कि एन को सर्कल रिलेटेड इन साइड एंड एंड हुक अटैच टू अ फुल लेंथ कर्व एट्स द फाइनल साउंड जेट। तो जेट का भी आया या एस का है उसमें आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे एन ऐसे आएगा, ओपिनियंस, ओपिनियन का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे एस जोड़ दिया। इवेंट्स और वुमेन्स, इवेंट्स में क्या करना है आपको कि हैविंग करना है और आधा करना है, और आधे के अंदर आपको ये हाफ लेंथ करना है। तो हाफ लेंथ हमेशा आप पता है आपको कि थ्रू दी लाइनिंग नहीं लिख सकते, ये ऑन दी लाइनिंग बनता है क्योंकि ऑलरेडी हाफ होता है। नेक्स्ट है वुमेन्स। तो वुमेन्स आप डब्ल्यू पहले पढ़े हैं ऐसे और ये लास्ट में ऐसे हो गए। डब्ल्यू जो यहाँ पे राइट सेमी सर्कल बनाया जाता है, या आपने पढ़ चुका है कि एम से पहले जब भी डब्ल्यू आता है तो राइट सेमी सर्कल होता है। नेक्स्ट है हमारा 53 पॉइंट नंबर चैप्टर 12 का, आफ्टर अ कर्व स्ट्रोक द लाइट साउंड एन सी ई, ये जो साउंड आएगा तो इसमें भी हमें सर्कल जोड़ना है रिप्रेजेंट बाय स्ट्रोक एन एंड फाइनल एस। इसमें भी आपको जोड़ना बता रहे हैं, जैसे पहला वर्ड हमारा है ऑफेंस, तो लास्ट में एन एन सी ई का साउंड आ गया तो सर्कल को मर्ज कर देना है। ऑफेंस वर्ड है, एम बनेगा यहाँ पे, फिर यहां से ये होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि दोनों एन ही हुक नहीं बनेगा, तो एन क्योंकि लास्ट में एन का हुक बना तो यहां पे बनेगा एन ही है, तो यहां पे ऑफेंस ऐसे आप बोल सकते हैं और ऐसे बनाना हो तो बना सकते हैं। अनाउंस, नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पे देखिए अनाउंस कैसे लिखते आ रहे हैं, एस का साउंड है, इसमें भी आपको जोड़ देना है, डबल एन बनेगा क्या इसे अनाउंस अलाउंस। तो अलाउंस जो है इसमें एल बनेगा, तो अलाउंस में क्या करना है आपको, स्मॉल सर्कल बनाना है, जैसे एल ऐसे बनेगा और यहाँ पे डिप्थोन लगा सकते हैं अलाउंस में। रोमांस, तो रोमांस में कौन सा आर बनाना है ये आपको ध्यान देना है क्योंकि आर के बाद है
और कर्म से जुड़ रहा है तो आर हमेशा डाउन बनेगा इसमें, इसमें आपको ध्यान देना है। तो रोमांस में आर भी बन रहा है, एम भी बन रहा है और एन का ऐसे बन रहा है, तो रोमांस ऐसे डाउन द लाइन बनेगा। ऑफेंसेस जो अभी हमने पढ़ा है, ऑफेंस में छोटा है तो यहाँ पे क्या करना है कि ऑफेंसेस में बड़ा बना देना है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है अनाउंसेस। अनाउंस अभी आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, बस सर्कल और यहाँ पे बड़ा बना देना है। नेक्स्ट है अलाउंस, जहां पे ऐसे अलाउंस बनाए यहाँ भी आपको एल बनाना है और एन का बड़ा सर्कल बना देना है अलाउंसेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेंस, जो एस डी का साउंड आ गया है तो आपको एस टी लूप और एस टी आर का जो चैप्टर पढ़े हैं यहाँ पे एस टी का वो बनाना है, तो एफ बनेगा और ये यहाँ पे फेंस्ड ऐसे बनेगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनाउंस्ड और अनाउंसिंग। देखिए फेंस्ड और अनाउंस दोनों में लूप ही बनेंगे लास्ट में, तो अनाउंस्ड में क्या है कि एन और एन में एस टी का लूप बन जाएगा, अनाउंस्ड हो गया। अनाउंसिंग में इंग जोड़ देना है आपको और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड में अनाउंस और अनाउंसिंग, तो यहां पे क्या करना है कि अनाउंस और अनाउंसिंग में ये हमारा इंग का पार्ट है जो जुड़ गया। अनाउंसिंग में अगर आप चाहेंगे तो वोवेल्स पुट कर सकते हैं क्योंकि आउ का साउंड आ रहा है तो यहां पे मिलता है। इस तरह से हमारा यहाँ पे जो है 53 और 52 ये पार्ट जो है यहाँ पे समाप्त हो गया, यानी कि हमने आज आपको पढ़ा दिया है। अगर इस वीडियो में कोई डाउटफुल, इस चैप्टर के जितने भी चैप्टर पॉइंट पढ़ाते जा रहे हैं इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी मिस्टेक्स हमसे हुआ हो, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।